हृदय से स्वागत करता हूं। सभी माननीय सदस्यों को यह एक अवसर होता है जब अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के विधायिका के इस महत्वपूर्ण मंच पर वह जनमानस से आम जनमानस से जुड़ी भी समस्याओं को रख सके, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी सरकार की ओर से हमने एक स्वस्थ चर्चा को, जिसके लिए हमारे सदन को जाना जाना चाहिए, इसके लिए आमंत्रित किया। और मैं इस बात के लिए फिर आह्वान करूंगा कि हमें एक सार्थक चर्चा का विषय सदन को बनाना चाहिए। पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 6 वर्षों के दौरान प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने कुत्सित राजनीतिक कारणों से जो पहचान का संकट खड़ा हो गया था, उस पहचान के संकट से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद पूरी सफलता प्राप्त हुई है। एक तरफ जहां इसे आगे बढ़ाने में पिछले 6 वर्ष के अंदर सफलता प्राप्त हुई, वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने, प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। बीमारू राज्य की श्रेणी से उत्तर प्रदेश उभर करके देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और डबल इंजन की सरकार उन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए कार्य करने को तैयार, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, इन मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर पश्चिम के कुछ जनपदों में जहां बाढ़ के प्रकोप से वहां की जनता एक बार प्रभावित हुई है, वहीं प्रदेश के 40 से अधिक जनपद ऐसे हैं जहां पे सूखे की समस्या एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है। हमने आह्वान किया है कि अगर माननीय अध्यक्ष जी इस पे अनुमति देंगे और विपक्ष के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इसमें सहमत होंगे, तो सदन में हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बाढ़ और सूखे की समस्या और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रख करके सदन को एक स्वस्थ चर्चा, परिचर्चा का केंद्र बनाएंगे और एक सार्थक चर्चा के माध्यम से विधायिका को और पुष्ट करने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से विधानमंडल की इस कार्रवाई के प्रथम दिन के अवसर पर आगत सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप माननीय सदस्यों को सदन के फ्लोर पर अपनी बात वे प्रभावी ढंग से रखेंगे। इसमें सरकार उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देगी और सरकार उसमें हर प्रश्न का जवाब भी देने को तैयार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी,